हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपी की रसोई। तो आपने पनीर की कई सारी रेसिपीज खाई भी होंगी और बनाई भी होंगी, तो उन्हीं में से आज मैं आपके सामने एक डिश लेकर आई हूँ जिसका कि नाम है पनीर लबाबदार। तो इसे मैंने थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाया है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर लबाबदार, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर। तो यहाँ पर आप पनीर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें करना है पनीर को मैरिनेट। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है पनीर और इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। आप अपने हिसाब से इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इस पनीर को हम काट लेंगे। तो पनीर को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, तो चलिए अब करते हैं मैरिनेशन की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बाउल। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम दही। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है दही। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें तीखापन कम होता है मगर इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे इसमें अच्छे तरीके से मिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। तो ये हो चुका है यहाँ पर मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर क्यूब्स को। तो यहाँ पर पनीर को मैं करूँगी हाथों से मिक्स, क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और चम्मच से ये टूट सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर पनीर को कर लिया है मैंने कोट। अब इसे हम रखेंगे 10 मिनट के लिए कवर करके, इसको अलग से छोड़ देंगे और तब तक हम पनीर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 टमाटर, कुछ लिए हैं मैंने यहाँ पे काजू, छोटा सा लिया है अदरक, एक ली है हरी मिर्च और थोड़े से लिए हैं यहाँ पे खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काट रही हूँ टमाटर को। तो हमें यहाँ पे इसको बारीक नहीं करना है, इसको इस तरीके से मोटा ही रखना है, इस तरीके से इसे काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल। और सबसे पहले यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर जो हमने काट के तैयार रखे थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और मिर्च और इसे हम चला लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खड़े मसाले और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काजू और इसे कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हम पानी और इसे हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पानी पूरा सूख चुका है अच्छे तरीके से और ये भी पक चुका है। तो गैस को कर देंगे हम बंद और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ग्रेवी का मसाला यहाँ पर हो चुका है ठंडा। तो यहाँ पर मैंने लिया मिक्सर ग्राइंडर और इसमें इसको डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर प्यूरी हो चुकी है तैयार। तो अब हम यहाँ पे तैयार करेंगे पनीर लबाबदार की ग्रेवी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर आप घी के अलावा मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसमें तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर मैंने यहाँ पे लिया है घी। तो घी यहाँ पर हो चुका है गरम और मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 बारीक कटे हुए प्याज, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो प्योरी हमने तैयार करी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम इसे कर लेंगे मिक्स और इसे भी हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च,
हाफ टी स्पून गरम मसाला और इन सभी को हम कर लेंगे अब मिक्स और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक हमने जो ये पनीर रखा था मैरिनेट करके इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। और इस तरीके से इसको हमें हल्के हाथों से डालेंगे, तोड़ना नहीं है पनीर को, बहुत आराम आराम से। तो यहाँ पर मैंने पनीर के सारे पीसेस को इसमें डाल दिया है। अब इसे इस तरीके से हम हिला लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से पलटते चले जाएंगे। पनीर दोनों तरफ से पक चुके हैं तो गैस को कर देंगे हम बंद। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी ग्रेवी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेवी में से जो तेल था वो बिल्कुल अलग सा हो गया, इसका मतलब मसाले यहाँ पर अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्का सा गर्म पानी। और इसे हम चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी, क्योंकि हमने इसमें थोड़े ज़्यादा टमाटर डाले थे तो इससे इसकी खटास थोड़ी कम करने के लिए मैंने यहाँ पे डाली है चीनी। और इसको कर लेंगे हम मिक्स। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम और यहाँ पर इसे कर लेंगे हम मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर आराम से डालेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट और गैस को कर लेंगे बंद और इसको कर लेंगे सर्व। ये बिल्कुल हो चुका है तैयार। तो तैयार है यहाँ पर हमारा पनीर लबाबदार। तो यहाँ पर मैंने पनीर को मैरिनेट किया था। मैरिनेट करने से पनीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो आप इसको इसी तरीके से ट्राई करिएगा। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।